नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉक पे डेली का 10 से 15 हजार का ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, और अगर आप अपने ब्लॉक पे काम कर रहे हैं बट उसी के साथ एक नया ब्लॉक स्टार्ट करना चाहते हैं जिसपे आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सके, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट करें। और नया ब्लॉग आप किस टॉपिक पे स्टार्ट करें और कहां से आपको वो कीवर्ड मिलेंगे जिसपे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिले, तो इसके लिए मैं आपको ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप अगर आप अपने सरकारी योजना पे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उस पे आपको डेली का अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो अगर राजस्थान में जितनी ज्यादा लोग जो जॉब जो है, अगर न्यूज आती है जॉब की, जैसे कोई वैकेंसी अगर ओपन होती है और उसकी अपडेट गूगल पे आ जाती है, तो आपको उससे पहले मतलब अपडेट आने के बाद आपको उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है और उसका एक सेपरेट आर्टिकल उसी कीवर्ड को पे आपको निकालना है, और उसके बाद आपको उसको लिख के आर्टिकल और आपको अपने ब्लॉग में डाल देना है, और वहां पे आपको ट्रैफिक बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वहां से आपके पोस्ट जल्दी रैंक होगी और आप अपने ब्लॉग पोस्ट को जल्दी रैंक करा पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, ये राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी देशों में ये स्कीम लागू होती है। आप अपने मतलब स्टेट के आधार पर मतलब अपना ब्लॉग बनाएं और स्टेट के आधार पर ही वहां से जो आप कीवर्ड निकालें, और आपको मैं साइट बता दूंगा भी आपको उससे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकेगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं तो अगर आपने वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग वो अच्छी खासी वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन तरीके से जानकारी देता हूँ और प्रैक्टिकली जानकारी देता हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं आपको इतनी जल्द जानकारी अच्छे से और डीपली देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको उससे ज्यादा डीपली जानकारी चाहिए, आपको कोई वीडियो में कमी आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियो को सुधारने की कोशिश करूंगा जिससे आपको जानकारी अच्छे से मिल सके। क्योंकि मैं जितनी जानकारी अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मतलब कुछ भी प्रैक्टिस करता हूँ या कुछ भी अपने ब्लॉग पे कोई चीज करके देखता हूँ तो वो आपको मैं बताता हूँ जैसे मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। दोस्तों चलिए मैं आपको भी आगे अपने बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करके लेटेस्ट सरकारी योजना, तो अभी आप देख रहे होंगे ये सर्च करने के बाद नीचे बहुत सारी सरकारी योजना से जो वेबसाइट है वो आ गई है। देखिए इसमें सबसे पहली वेबसाइट है जो आ गई है अभी सरकारी योजना, ठीक है, और दूसरी वेबसाइट है सरकारी योजना .com। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप .com का डोमेन लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप सरकारी योजना पे सिर्फ ब्लॉग बना रहे हैं तो आप .in का डोमेन लेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि .com का डोमेन है वो इंटरनेशनल कंट्रीज में भी रैंक करता है, बल्कि .in डोमेन है जो इंडिया में ही रैंक करता है। क्योंकि अगर अपने को जो वेबसाइट पे या योजना पे काम करना है तो अपने को तो .in डोमेन से काम चल जाएगा, क्योंकि अपने को तो एक स्टेट को ही कवर करना है, उसकी एक जो योजना है, उसकी जो जॉब की है, चाहे वो भर्ती की है, चाहे कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ रही है, वो सभी उस पे लागू हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये आ गया सरकारी सरकारी प्रेप .in, उसके बाद आ गया हिंदी योजना .in, क्योंकि इसने जो वेबसाइट बनाई है उन सभी पे इन्होंने सरकारी योजना मतलब कीवर्ड को जो काम में लिया है, ठीक है। आगे अपने बढ़ते हैं, जैसे मैं अभी सरकारी योजना की जो वेबसाइट है हिंदी योजना, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं तो आपको इस वेबसाइट में जो लेटेस्ट जो उनके जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, जो न्यू अपडेट डाली योजना से रिलेटेड, तो वो सारी आपके सामने आ जाएगी, देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं दूसरी वेबसाइट के बारे में बताऊं तो इसको मैं थोड़ा एक बार बैक कर लेता हूँ, और सरकारी हिंदी योजना की जो वेबसाइट इसमें अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इस ये जो सरकारी योजना की जो पहली वेबसाइट है इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए अभी मैं इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सरकारी योजना जो कीवर्ड है वो सारे अच्छे से दिए हुए हैं। अभी अपने देखेंगे कि आपको कौन सी टॉपिक पे काम करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी इस वेबसाइट का URL जो कॉपी कर लेना है। अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, अबर सजेस्ट में जाना है या सेमरस में जाना है, एचरफ में जाना है, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप जाके इस कीवर्ड को कर सकते हैं। यहाँ से मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इंडिया सिलेक्ट करके इसको सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सामने ये रिजल्ट जो इस वेबसाइट के जो DAPS के जो कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं, इस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन से जो कीवर्ड है उन पे ट्रैफिक आ रहा है, इन सभी की जानकारी आज आप मतलब ये जो अपर सजेस्ट का ये टूल है जो आपको सारी जानकारी दे देगा।
देखिए अभी आपके सामने इस वेबसाइट का जो इंटरफेस खुल के आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वेबसाइट का मंथली जो ट्रैफिक है 2,20,458 जो उसकी कीवर्ड है वो आ रहे हैं, और इसका ट्रैफिक है जो मंथली 7,94,886 है, और इसकी डोमेन अथॉरिटी है जो 57 है। अगर आपको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो दिखाऊं, तो अगर आप देखेंगे इसके जो कीवर्ड है जैसे यूपी राशन कार्ड लिस्ट, ठीक है, तो ये बंदा इंडिया को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जितने भी स्टेट है उन्हें सभी को ये टारगेट करके ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है। जैसे यूपी के शब्द इसकी जो कीवर्ड वॉल्यूम है, ठीक है, ये 67,000 है, ठीक है, इसका अभी कोई इसने बैकलिंक क्रिएट नहीं किया है, फिर भी ये रैंक करी। उसके बाद सरकारी योजना, फिर ये फ्री फायर डाउनलोड के बारे में इसने दिया, फिर राजस्थान SSO ID, फिर उसके बाद इसने PMJY CSC सेंटर कैसे खोले, जो CSC पोर्टल होता है जहाँ से आप मतलब पैसे निकाल सकते हैं, जो बैंक नहीं देते हैं, जो CSC सेंटर होता है 10 से 15 हज़ार का आप जो अमाउंट है वो डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, तो जो कीवर्ड है साइट के जो रैंक कर रहे हैं और इन पे ट्रैफिक है जो देखिए लाखों में ट्रैफिक है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये देखिए ये राशन कार्ड यूपी का इसका जो ट्रैफिक है जो इसकी वॉल्यूम है वो 3 लाख है। उसके बाद अगर आप देखेंगे SSO ID लॉगिन, इस पे जो ट्रैफिक है और ये इसकी कीवर्ड वॉल्यूम है वो 1,65,000 है। SSO ID लॉगिन राजस्थान 1,65,000, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है वो 3 नंबर पे इसके जो आर्टिकल जो रैंक कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से सभी साइट को निकाल सकते हैं और उनकी कीवर्ड की यहाँ से आप फाइंड करके इन सभी कीवर्ड की लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इन सभी कीवर्ड की लिस्ट को निकाल के आप एक स्लाइड में कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट इस साइट से मतलब उसको कीवर्ड को एक टारगेट करके फिर अपर सजेस्ट में जाके उस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है, और उसके पेस्ट करके उसकी कीवर्ड वॉल्यूम देख के और उससे मिलते जुलते आर्टिकल आप यहाँ से देख के फिर डायरेक्ट गूगल में जाके आप उसको पेस्ट करके, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर लिया PM, अभी जैसे चल रहा है PM किसान योजना, ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया तो ये देखिए कितने सारे आ गए इसके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर दूसरा टॉपिक सर्च करता हूँ तो देखिए PM किसान EKYC, ठीक है, PM किसान EKYC, ठीक है, जैसे आपने इसको सर्च किया तो ये देखिए ये भी बहुत सारे कीवर्ड आ गए। तो आप इस तरीके से यहाँ से कीवर्ड निकाल के फिर इसकी वॉल्यूम वगैरह सब देख के आप अपने ब्लॉग पे काम करके अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।